जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, यूं तो बुद्धि के और बल का पैमाना हर व्यक्ति का अलग अलग हुआ करता है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से यदि किसी की बुद्धि काम नहीं करती है तो वह व्यक्ति समझ लेता है कि मेरी बुद्धि मेरे अधीन नहीं है। चलो मान भी लिया जाता है और उसकी बात को ही बड़ी कर दिया जाता है। आखिर फिर इसका उपाय क्या है कि उसकी बुद्धि उसके अनुसार चलने लगे? इसी प्रकार से बल व्यक्ति में होता है, लेकिन वह अपने बल का उपयोग कर नहीं पाता है। और जब उपयोग नहीं कर पाता, समय पर किसी चीज का उपयोग ना हो तो उस बल का फायदा क्या? बल और बुद्धि उसके अनुरूप चले, अब इसका क्या उपाय हो सकता है? दोस्तों, यूं तो बल और बुद्धि के देने वाले हम अपने विशेष देवों में भगवान श्री गणेश को मानते हैं, पर उसके साथ ही हम हनुमान जी को भी बल और बुद्धि का देने वाला मानते हैं, और हम इनकी पूजा अर्चना भी अक्सर किया करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं बल और बुद्धि के मामले में एक हमारे देव भगवान श्री कृष्ण, अब उनके पास जो बल और बुद्धि थी वह उनका प्रयोग वे अपने अनुसार ही किया करते थे। वे चाहते तो किसी भी दूसरे की बुद्धि को बांध भी देते थे, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आता है कि जब एक बार दुर्योधन और अर्जुन दोनों में अब जब इनका युद्ध होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन की बुद्धि को बांध दिया था और दुर्योधन ने उनकी अक्षौहिणी सेना मांग ली थी। चाहे तो भगवान श्री कृष्ण दूसरे की बुद्धि भी बांधे, वे इतने कलाकार थे, वो कला में निपुण थे, उनके पास बहुत सी कलाएं थी। आज भी भगवान श्री कृष्ण के नाम से यदि कोई कार्य किए जाते हैं बल और बुद्धि के बारे में, तो वे कार्य पूर्ण होते हैं। मैं आज ऐसा ही एक मंत्र आपको बताऊंगा कि यदि आपका बल क्षीण है, आप में आत्मसम्मान की भी कमी है, आपकी बुद्धि भी काम नहीं करती, तो यह मंत्र आपके विश्वास को भी जगाएगा, आपको बल भी प्रदान करेगा, आपको बुद्धि भी प्रदान करेगा, और बंधी हुई है तो खुल भी जाएगी, अब उसकी तो बात ही छोड़ दो। बड़े आसान प्रयोग हुआ करते हैं हमारी देवों की अर्जियां, यदि हम सही ढंग से लगाते हैं तो समझ लेना हमारे काम भी सही ढंग से ही बन जाते हैं। प्रयोग केवल आप 21 दिन का करके देख लेना, 21 दिन में आपको कितना फायदा होता है यह आप स्वयं जानेंगे। आपने सिर्फ मस्तक पर हाथ लगाना है और सिर्फ यह 5 मंत्र बोलने हैं। अब मंत्र को आपने याद कर लेना है और याद करके ही इन मंत्रों को बोलना है, ध्यान करना भगवान श्री कृष्ण का। अब आप इसे करें कैसे, किस दिन से करें, यह भी बड़ा आसान है। आप इसे दोस्तों, यदि आप जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, जिस अवस्था में हैं, आप ये ना सोचना कि मैं बाहर हूं अंदर हूं, आप यदि उठे भी हैं तब भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप केवल उठे हैं तब भी कर सकते हैं। आप नमन करते हैं, सबसे पहले आपने इसमें कहीं दीपक की आवश्यकता नहीं, अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं, धूप दीप की आवश्यकता नहीं, बस आपने अपने जहां भी हैं जैसे भी हैं ध्यान रखना, इस प्रयोग को 21 दिन लगातार करना है। पर जब आप एक समय बना लें, अपना नियम बना लें कि मैं इस वक्त इस समय पर इस प्रकार से इस मंत्र को करूंगा, तो कर लें, नहीं देखना मुंह की तरह, आपने सिर्फ अपने मस्तक पर हाथ लगाना और हाथ लगा करके इस मंत्र को 5 बार बोल देना है। सोमवार से यह प्रयोग शुरू करना है। अब आपके सोमवार से जो प्रयोग शुरू करोगे तो आप 21 दिन
आप इसको करके देख लेना, 5 मंत्र बोल देना। ॐ नमः कृष्णं गोविंदाय ध्यायामि जगदीश्वरः रक्ष रक्ष जगदाधारे मम कायं यह बंधनात। बड़ा आसान मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण का पहले ध्यान कर लेना थोड़ा सा भी, हे भगवान मेरी बुद्धि को, मेरा काया अगर बंधी है तो उसको खोल दे, मेरे अंदर बल भर दे, इतना साई तो है, मेरी बुद्धि को ठीक ढंग से चला दे। और यही इस मंत्र का अर्थ है कि मेरी काया किसी बंधन में है, ये जो इसकी रक्षा करें, और हो जाएगी रक्षा, आप विश्वास करेंगे। आपने सिर्फ 5 मंत्र पढ़ने हैं, इसी तरीके से पढ़ देना जैसे मैंने पढ़े, करके देख लेना दोस्तों। 21 दिन का प्रयोग है, जहां बैठे हो कर देना, किधर मुंह है कोई ध्यान मत करना, अच्छा लगता है तो किसी को बता देना। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।